हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देख ली और आज हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जी तो बच्चों अपनी बुक का पेज नंबर सिक्सटी ओपन कर लें और देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम एनर्जी को बहुत जगहों पर इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में अब क्या है कि उसका मेजर रिसोर्स भी हम जानते हैं ठीक है और मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आर ऑयल नेचुरल गैस एंड कॉयल ये तो आप सबको पता है अब हमने क्या करना है बर्निंग दिस फ्यूल्स मेक अ लॉर ऑफ स्मोक एंड मेक्स द एयर डर्टी आपको पता है ना जब हम इन चीज़ों को जलाते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो धुआँ निकलता है जिससे हमारी एयर डर्टी हो जाती है अब हमने क्या करना होता है जब हम इस फ्यूल को ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं आपको पता है ना कि जब पेट्रोल हम डलवाते हैं अपने व्हीकल्स में तो हमें उसको बहुत पे करना पड़ता है तो क्या होता है कि अगर हम एनर्जी का कम इस्तेमाल करें कम ऑयल का इस्तेमाल करें कम गैस का इस्तेमाल करें तो क्या होगा हमारी हवा साफ़ सुथरी हो जाएगी जी बच्चों अब हमने देखना है हमारे क्या रोल्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि कंजर्व कर सकती हैं एनर्जी रिसोर्सेज को इफ़ वी कंटिन्यू वेस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल कोल गैस तो क्या होगा कि आने वाले वक्त में हमारी अगली नस्लों के लिए हमारी अगली जनरेशन के लिए ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे है ना देखिए एक चीज़ है अगर हम उसको इस्तेमाल करते जाएंगे करते जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाती है ना तो इस वजह से हमें क्या करना है कि हमें इन रिसोर्सेज की सप्लाई को लिमिटेड करना है ठीक है सबसे पहले तो इसकी सप्लाई लिमिटेड कर देंगे ठीक है ना ज़्यादा चीज़ होगी ना हम उसको वेस्ट करेंगे दूसरी चीज़ क्या है दे आर मेड इन मिलियंस ऑफ ईयर ठीक है बच्चों जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको मिलियंस ईयर लगते हैं बनने में इस वजह से क्या होगा हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको सेव करके यानी कि इस एनर्जी रिसोर्सिस को सेव करें और इनको बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करें देर आर मैनी वेज टू सेव एनर्जी सबसे पहले हमने क्या करना है जैसे कि आपकी अम्मी भी आपको कहती होंगी मेरी अम्मी तो मुझे ज़रूर कहती हैं लेकिन अगर आपकी अम्मी ने आपको नहीं कहा तो आपने ख्याल रखना है जब भी आप कमरे से बाहर आए तो आपने अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ करना है ठीक है बच्चों इससे क्या होगा लाइट एनर्जी सेव होगी और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सेव होगी फिर क्या करना है आपने ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को इस्तेमाल करना है अगर आपने स्टडी करनी है तो कोशिश करें दिन की रोशनी में बैठ के करें ताकि आपको लाइट्स जलाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको पता है दिन की रोशनी में पढ़ना आंखों के लिए बहुत अच्छा है ज़्यादा कि आप रात को लाइट्स ऑन करके अंधेरे के अंदर पढ़ें ठीक है बच्चों तो आपने सन का बहुत फ़ायदा उठाना है और दिन में पढ़ना है और अपने मैक्सिमम काम जो हैं वो दिन की रोशनी में कर लेने हैं फिर क्या होगा जब भी आप कोई अपलाइंस इस्तेमाल करें जैसे इस्त्री इस्तेमाल करें फ्रिज इस्तेमाल करें आपने जब उसको इस्त्री कर लेने यानी कि आयरन कर लेने अपने कपड़े तो आपने इस चीज़ को श्योर करना है कि आपने उसका स्विच बंद कर दिया ठीक है बच्चों इसी तरह आप जो अपने घर के अंदर ग्राइंडर्स वगैरह आपकी मदर्स यूज़ करती हैं ये छोटे छोटे अप्लाइंस यूज़ करते हुए हम जब उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है तो उनको स्विच ऑफ नहीं करते ठीक है समटाइम्स भूल जाते हैं लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आपने इनको स्विच ऑफ़ करना है अब हमने कार्स की बजाय बसेस का इस्तेमाल करना है देखिए आप देखते होंगे रोड्स पे कार्स चल रही होती हैं और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में एक एक इंसान बैठा होता है और उस गाड़ी से निकलने वाला धुआं हमारी एयर को प्लूट करता है अगर वही एक इंसान उस बस में बैठ जाए जिसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो उसकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं बच सकता है और एयर पोल्यूशन में कमी आ सकती है तो इस वजह से कोशिश करें कि बस से ट्रैवल करें ओके और और बाइसाइकल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं हम नेचुरल गैस और ऑयल को सेव करने के लिए ठीक है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे अच्छी बात आपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने हैं ताकि हमारी एयर साफ़ हो सके हमारा पोल्यूशन कम हो सके ठीक है बच्चों और आपने क्या करना है ड्राई योर क्लोथ्स ऑन अ क्लोथ्स लाइन इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रायर ठीक है बच्चों ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना आपने कोशिश करनी है कि आप अपने कपड़ों को तार पर डाल के सूरज की रोशनी से होशक करें ठीक है बच्चों तो आपने क्या करना है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं जैसे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को आपने इस्तेमाल करना है कोशिश करनी है आपकी जो इलेक्ट्रिकल सेव एनर्जी है या जो हमारे फ्यो फॉसल फ्यूज़ हैं जिसमें नेचुरल गैस कोल और ऑयल आता है इनको कम इस्तेमाल करें और नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें देखिए बच्चों नेचुरल रिसोर्स तो ख़त्म नहीं होंगे ना सूरज की रोशनी तो ख़त्म नहीं होगी ना आज इस्तेमाल हो गई तो कल फिर से सूरज निकलेगा फिर से एनर्जी आएगी फिर से रोशनी आएगी लेकिन जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो एक वक्त में ख़त्म हो जाएंगे इस वजह से आपने ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी या फ्लोइंग वाटर की एनर्जी या आपने सन की एनर्जी को इस्तेमाल करना है ओके बच्चों देखा बच्चों इस तरह से आप एनर्जी को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल कर सकते हैं और खासकर वो रिसोर्सेज जो फॉसिल फ्यूल से हासिल हुए हैं और जो लिमिटेड है और उनको बनाने में हमें मिलियंस इयर्स लग गए आपने खुद भी इस चीज का ख्याल रखना है और दूसरों को भी इस चीज का मशवरा देना है कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट इस्तेमाल करें और अपने नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेस से फायदा उठाएं। ओके बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा न्यू लेसन के अंदर हम न्यू टॉपिक के साथ दोबारा से मिलेंगे टिल देन टेक केयर अल्लाह